रविवार को शहर के अरबी होटल में JCI नागपुर शक्ति चैप्टर की तीसरी इंस्टॉलेशन सेरेमनी का आयोजन किया गया। इस दौरान JC अजय तिवारी को साल 2022 के लिए प्रेसिडेंट के तौर पर नियुक्त किया गया। इस संदर्भ में JC डॉक्टर राकेश ने अधिक जानकारी साझा की। JCI नागपुर शक्ति चैप्टर की तीसरी इंस्टॉलेशन सेरेमनी का रविवार को आयोजन किया गया था। इस अवसर पर बात करते हुए JC डॉक्टर राकेश ने कहा कि यह एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिससे जुड़कर लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव आते हैं। वही आपके व्यवसाय समाज में भी सकारात्मक बदलाव आते हैं क्योंकि आप में सकारात्मक बदलाव आते हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि यहाँ हर चीज को लेकर गहन अध्ययन किया जाता है। JC से जुड़ने के बाद मुझे 2015 में मैंने JC ज्वाइन किया, लेकिन JC से जुड़ने के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें हम सभी के लिए बहुत सारी पॉजिटिव चीजें हैं और ये पॉजिटिविटी की आपको ऐसी मिसाल है जिसमें आपकी सहन शक्ति या आपके काम करने की क्षमता या आपको बिजनेस को प्रमोट करने की या आपको सोसाइटी में किस तरह से पॉजिटिव चीज़ें लेके आनी है और पॉजिटिव रह के पॉजिटिव लेके आना है, ऐसी कुछ चीज़ों के ऊपर में बहुत गहन अध्ययन से यहाँ पे काम किया जाता है। तो उस लिए ये हमने JCI नागपुर शक्ति नामक NGO जो हमने 2020 में स्टार्ट किया और आज 2021 और आज 22 मतलब आज तीसरा इंस्टॉलेशन हमारा सेरेमनी है जिसके तहत आज JC अजय तिवारी जी इसके अध्यक्ष पद की शपथ लेंगे और JC रितु डका जी मैडम उनको शपथ दिलवाएंगी। बता दें कि JCI नागपुर शक्ति से कुल 75 लोग जुड़े हुए हैं और यह एक इंटरनेशनल यूथ ऑर्गेनाइजेशन है जो कुल 120 देशों में कार्यरत है। कैमरा पर्सन माइकल के साथ दिशा हटवार, BCN न्यूज नागपुर।